नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जारी सूची में कमेटी की अध्यक्ष प्रभारी कुमारी सैलजा को बनाया गया है। कमेटी में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल रहे। बता दें कि कमेटी की इस जारी सूची में दीपक बैज समेत 14 नेताओं को जगह मिली है। साथ ही सप्तगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव और विजय जांगिड को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में 7 लोगों को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीसलपुर में नकल निकलवाने के लिए पैसों की मांग करने के खिलाफ वकीलों ने जमकर हल्ला बोला और एसडीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनका कहना था कि वकीलों के साथ ही पक्षकारों को नकल निकलवाने के लिए घुमाया जाता है और अवैध रूप से वसूली की जाती है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों को तत्काल नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रायपुर में कुछ ही घंटों की बारिश से तालाब सड़कें बन गए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट और दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी और रायपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को भी राजधानी रायपुर समेत धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिलों के कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके अलावा बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में भी जमकर बादल बरसे। भाजपा कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रही है। इसके जवाब में गुरुवार को कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घोषणा पत्र जनता को ठगने का दस्तावेज होता है। भाजपा हर चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाती है, जिसको संकल्प पत्र नाम देती है, लेकिन कभी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करती। कांग्रेस के नेता हिसाब लेकर प्रेस के सामने आते हैं। कहा कि 3 बार 2023, 2008, 2013 के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, ये वो घोषणाएं हैं जिसे उसने तीनों बार फ्रंट पेज पे छापा था। 3 चुनावों में 31 वादे किए गए, जिनमें 25 को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा ने 3 चुनावों में 2003, 8, 13 और 150 से ज्यादा वादे किए थे, जिसमें से 30% भी पूरे नहीं हुए। कांग्रेस ने 5 सालों में 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। और ये पूरा मामला बालोद विधानसभा क्षेत्र के करही बदर गांव का है। इस गांव में शराब की दुकान खोलने को लेकर बीजेपी नेता और सरपंच ने आंदोलन चलाया था। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर चक्का जाम की चेतावनी दी थी। इसके बाद आबकारी विभाग ने सिकोसा गांव में संचालित दुकान को करही बदर में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया था। यह आदेश सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। हालांकि बाद में विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस आदेश को होल्ड कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।